आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 का पेपर इसमें क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं आप वहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बोंड एंड ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज यहाँ पे सी कार्बन है और एक्स जो है हेलोजन एलिमेंट्स हैं ऑप्शंस में सभी में एल्काइल हेलाइड्स दिए हुए हैं तो हेलोजन ग्रुप में टॉप पर एलिमेंट होता है फ्लोरिन उसके बाद क्लोरिन ब्रोमीन एंड आयोडीन डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज होगा यहाँ पर आयोडीन का साइज इंक्रीज है और फ्लोरिन का साइज लेस है तो फ्लोरिन का साइज लेस है यहाँ पे फ्लोरिन और मिथाइल ग्रुप में जो बॉन्ड बनेगा मोर स्ट्रॉन्ग होगा मोर स्ट्रोंग होगा तो मोर एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मीन्स मोर बॉन्ड एंथेल्पी होगी और डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज होगा तो मिथाइल और आयोडीन में लेस स्ट्रांग बॉन्ड होगा और लेस एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस बॉन्ड एंथेल्पी होगी मिथाइल आयोडाइड की तो यहाँ पे देखते हैं आप सिक्वेंस में यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज राइट मिथाइल फ्लोराइड मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड एंड देन मिथाइल आयोडाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम एसिटेट एट इन्फानाइट डल्यूशन आर वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन सिक्स एंड नाइन्टी वन साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट इन्फानेट डाइल्यूशन इज यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टेंस और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस दी हुई है तो इसको राइट डाउन करेंगे हम सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टेंस अब यहाँ पे एसिटेट के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है ऐड करेंगे एच सी एल की एच सी एल की मोलर कंडक्टेंस उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ दी हैं उनको पुट कर लेते हैं तो सोडियम एसिडेट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है नाइन्टी वन तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम नाइन्टी वन इसमें ऐड करेंगे हम प्लस एच सी एल एच सी एल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमारे पास फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन सिक्स और सबट्रैक्ट करेंगे हम सोडियम क्लोराइड की डी हुई यहाँ पे वैल्यू वन टू सिक्स पॉइंट फोर फाइव अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे थ्री नाइन जीरो पॉइंट सेवन वन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग मॉलिकूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर नीचे ऑप्शन में कौन से मॉलिक्यूल जो हैं जिनका नॉन पोलर नेचर है फर्स्ट है एन ओ टू सेकेंड है पी ओ सी एल थ्री थर्ड है सी एस टू ओ फोर्थ है एस बी सी एल फाइव अब इन सभी के स्ट्रक्चर बनाते हैं ओ डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव ये स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इसमें वन ऑड इलेक्ट्रॉन होता है नेक्स्ट है पी ओ सी एल थ्री पी ओ सी एल थ्री का स्ट्रक्चर बनेगा पी जो है फास्फोरस है सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड थ्री बॉन्ड जो है क्लोरीन एटम के साथ बनाएगा पी ओ सी एल थ्री नेक्स्ट है सी एच टू ओ यहाँ पे बॉन्ड बनेगा एच C डबल बॉन्ड O एंड H, सी एच नेक्स्ट है Sb, Sb है Antimony और Antimony और यहाँ पे five five जो यहाँ पे Chlorine एटम्स अटैच हैं one two three four five. अब नॉन पोलर नेचर होता है जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम है एंटीमनी और यहाँ पे क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसमें इक्वल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी बॉन्ड्स में तो इसे कहते हैं नॉन पोलर नेचर जिसमें सेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली एट्रैक्टेड बाय टू एटम्स इन अदर वर्ड्स सेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एनी वन एटम्स इसमें सभी एटम्स की इक्वल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है यहाँ पे सभी बॉन्ड्स की इक्वल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है तो यहाँ पे आएगा नॉन पोलर नेचर नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं सी और एच और सी डबल बॉन्ड ओ तो ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को शेयर करेगा तो इलेक्ट्रोनेगटिविटी डिफरेंस जो है बॉन्ड्स में वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे फॉसफोर्स और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेक्टिव है ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोनेगटिविटी डिफरेंस जो है सभी बॉन्ड्स में चेंज हो जाएगा जैसे फॉसफोर्स और ऑक्सीजन में है और फॉसफोर्स और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा तो नॉन पोलर नेचर में आएगा एस सी एल फाइव फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सी NaOH थ्री सी एच टू सी ओ ओ एन ए प्लस एन ए ओ एच यहाँ पे रिएजेंट पूछा हुआ है कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे इथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट कंसीडर द एब रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट यहाँ पे जो रिएजेंट मिस है उसको कैलकुलेट करना है तो ये जो रिएक्शन है इसे कहते हैं डी कार्बोक्सी लेसन रिएक्शन डी कार्बोक्सी लेसन इसमें रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करेगा लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मोर हाइग्रोस्कोपिक है हाइग्रोस्कोपिक है हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग हुआ मोर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको ड्राई करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएजेंट यूज़ किया जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एन ए सी ओ ओ एन ए रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बन जाता है एन ए टू सी ओ थ्री और यहाँ पे बन जाएगा इथेन तो यहाँ पे पूछा हुआ है रिएजेंट रिएजेंट यूज हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज आइसोथर्मल कंडीशन का मीनिंग हुआ आइसो का मीनिंग होता है सेम थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर तो सेम अगर टेम्परेचर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इक्वल टू ज़ीरो आती है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आएगी और टोटल एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो नहीं होती है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन थैंक्स